हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंटर साइंस। तो देखो कैसे हो आप, मजे में ना? ओके, तो पढ़ाई करते रहो, वीडियो देखते रहो, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो। और चलो, हम आज के टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं डायमंड के बारे में। अभी ये डायमंड क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका यूजेस क्या है। ओके, तो इसके बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो, ये जो डायमंड होता है ना, दिस डायमंड फाउंड इन इंडिया, इंडिया में तो मिलता है, लेकिन कहाँ मिलता है? तो जैसे ये मध्य प्रदेश में मिलता है, कर्नाटक में भी मिलता है, वैसे ही दिस इज ऑल्सो फाउंड इन बेल्जियम, अमेरिका, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, रशिया, यहाँ भी डायमंड मिलता है। अभी इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस डायमंड। तो कैसा होता है, तो देखो, इन डायमंड एवरी कार्बन एटम, हर कार्बन एटम जो है ना, इस बाउंडेड टू फोर नेबरिंग एटम। देखो, एक कार्बन एटम के आजू बाजू में देखो फोर कार्बन एटम है, लेकिन कौन से बॉन्ड से लिंक होते हैं, बाय कोवेलेंट बॉन्ड। देखो, दीज आर द कोवेलेंट बॉन्ड। अभी ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, देखो, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तुम जैसे फ्रेंड के साथ शेयर करते हो ना अपना टिफिन, वैसे ही ये जो होता है ना कोवालेंट कंपाउंड, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और उसी के बाद क्या होता है, ये बॉन्ड फॉर्म होता है। ओके, और इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं दूसरे चैप्टर में। ओके, देख, देयरफॉर द डायमंड है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो टेट्रागोनल एंड थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होने के कारण विच मेक मेरी मेनी हार्ड। ख्याल में रखना कि डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस इन नेचर। ओके, अब प्रॉपर्टीज क्या है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, मतलब उसकी कैरेक्टर क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है डायमंड की, दिस वन इज ब्रिलियंट एंड प्योर डायमंड इन द इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। मतलब इसके ऊपर हमने हार्ड सब्सटेंस को क्या किया, हैमर किया इसको, तो ये टूटता नहीं, दिस वन इज हार्डेस्ट सब्सटेंस। ओके, देन सेकंड वन इज इसकी जो डेंसिटी है, कितनी है डेंसिटी, दिस वन इज 3.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। थर्ड प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज, अब मुझे बताओ कम होगा या ज्यादा होगा, दिस वन इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ना, तो इसके मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। मतलब देखो कितना है मेल्टिंग पॉइंट, 3500 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसको हमने हीट किया तो ये कितनी डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगा, तो 3500 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट होगा। देन व्हेन डायमंड इज हीटेड, अगर हमने क्या किया, डायमंड को हीट किया कितनी डिग्री सेल्सियस पे, एट 800 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यूज राइज ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जो गैस फॉर्म होगा ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही फॉर्म होगा, नो अदर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, मतलब दूसरा प्रोडक्ट ही फॉर्म नहीं होगा। ओके, देन डायमंड डज नॉट डिजोल्व इन एनी सोलवेंट, कौन से ही सोलवेंट में ये डिजोल्व नहीं होता। अब सोलवेंट मतलब क्या, लिक्विड, कौन सा भी लिक्विड लो, इसमें ये डिजोल्व नहीं होगा, सोल्यूबल नहीं है। एसिड और अगर हमने बेस भी लिया और उसमें हमने डायमंड को डाला, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन द डायमंड। मतलब एसिड और बेस का भी उसके ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। अभी दिस डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। मतलब देखो, हमने यहाँ एक छोटा सा सर्किट बनाया है, ओके, सर्किट, और उसके बीच में हमने क्या किया, ये डायमंड लगा दिया, अभी हमने की ऑन की। तो देखो जो यहाँ ये जो क्या इंडिकेट करता है, दिस वन इज द एमिटर, और एमिटर का फंक्शन क्या है, टू मेजर द करंट। अभी एमिटर की जो नीडल है ना, ये डिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहे, दैट मीन्स दिस डायमंड डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करता, क्यों, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए चाहिए। ओके, दैट्स व्हाई डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी यूजेस क्या है, कहाँ क्या यूज किया जाता है, द डायमंड्स आर यूज इन ग्लास कटिंग। ग्लास कटिंग करने के लिए ऐसे पेन से ऐसे एक डिवाइस होता है, ओके, और यहाँ उसके एंड में छोटा सा एक डायमंड होता है जिसको ग्लास कटिंग के लिए यूज किया जाता है। वैसे ही दिस इज ऑल्सो
यूज इन रॉक ड्रिलिंग मशीन में भी इसका यूज किया जाता है। सेकंड यूज है डायमंड इज यूज इन ज्वेलरी। हमारी जो ऑर्नामेंट्स होते हैं जैसे नेकलेस है, डायमंड की चूड़िया भी होती है, रिंग्स भी होती है, उसमें भी यूज किया जाता है। डायमंड नाइफ आर यूज इन सर्जरी, मतलब आई सर्जरी में डायमंड नाइफ का यूज किया जाता है। डायमंड डस्ट इज यूज फॉर पॉलिशिंग अदर डायमंड, मतलब जब डायमंड के ऊपर काम होता है ना तो जो डस्ट फॉर्म होगी उसी डस्ट का यूज जो नए डायमंड को पॉलिश करने के लिए यूज किया जाता है। वैसे ही दिस डायमंड इज यूज टू मेक विंडो गिविंग प्रोटेक्शन फ्रॉम रेडिएशन इन स्पेस एंड इन आर्टिफिशियल सेटेलाइट। हमारे जो सेटेलाइट होते हैं ना उसमें भी डायमंड्स का यूज किया जाता है। अभी देखो एक अब पिप इनटू पास्ट, थोड़ा सा क्या हुआ था, मतलब क्या था। तो देखो वंस अपॉन अ टाइम इंडिया वाज फेमस फॉर कोहिनूर डायमंड। हमारे इंडिया में कोहिनूर डायमंड जो है ना बहुत फेमस था। अभी ये कब मिला था, दिस डायमंड वाज फाउंड इन 13th सेंचुरी, कहाँ, गुंटूर जो आंध्र प्रदेश में है। ओके अभी इट्स वेट वाज 186 कैरेट। अब कैरेट क्या है, दिस वन इज द यूनिट टू मेजर द वेट ऑफ दिस डायमंड। डायमंड का वेट करने के लिए जो यूनिट यूज किया जाता है ना उसको बोला जाता है कि कैरेट। और 1 कैरेट इज इक्वल टू फिर हाउ मेनी ग्राम, तो 1 कैरेट इज इक्वल टू 0.2 ग्राम। ओके तो दिस वन इज अ पीप इनटू पास्ट। ओके एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ग्राफाइट। अब ये ग्राफाइट कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसका यूज कहाँ किया जाता है, इंटरेस्टिंग है। ओके जो हम पेंसिल से लिखते हैं ना उसके अंदर जो लीड होती है ना वो ग्राफाइट की होती है, और ये कैसे बनाई जाती है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करो और लाइक भी करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।